हेलो ब्यूटीज, वेलकम एंड वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटी विद मनीषा। और मैं हूँ मनीषा। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक। आप ये मेकअप लुक किसी भी वेडिंग में या रिसेप्शन में या एंगेजमेंट पार्टी में आप वेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत इजी एंड एलिगेंट दिखने वाला मेकअप लुक है। आप डेफिनेटली ये मेकअप लुक ट्राई करना। एंड हाँ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, एंड करना है शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, रेड कलर के बटन को प्रेस करके साइड में एक बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। गाइज, इस समय पूना में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने ये स्वेटर वेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम मॉइस्चराइज करेंगे फेस को, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं एंड मॉइस्चराइज करना तो कंपलसरी है। तो इसलिए मैं लैक्टिक एलिमेंट का ऑयल बैलेंस मॉइस्चराइजर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपने वो वीडियो में देखा होगा मुझे बहुत सारे एक्नेस हो गए थे। अब भी फिलहाल बहुत ज़्यादा कम है, मतलब नाक के बराबर मेरे पिंपल्स हैं। तो जल्दी मैं आपके साथ मेरा पिंपल्स एक्ने स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपना आई मेकअप। उसके लिए मैंने यूज़ किया था वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, देन एक लूज पाउडर की मदद से उसको सेट किया था। देन यहाँ पे आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का रोज इंडियर आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैं ये लाइटेस्ट ब्राउन शेड अपनी क्रीज लाइन में डिफ्यूज़ कर दूँगी लाइक दिस, एंड अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर दूँगी। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये यू कैन बी का प्रीटी ऑल सेट पैलेट, जिसको मैं क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे में प्लेस करूँगी, देन अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर दूँगी। आपको थोड़ा थोड़ा कलर प्लेस करना है, देन ब्लेंड करना है। आपको एकदम से कलर पिक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लेके थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते जाइए। देन यहाँ पे सेम कंसीलर की मदद से मैं कट क्रीज ड्रॉ करूँगी, देन हाफ कट क्रीज में ड्रॉ करते जाऊँगी। कंसीलर का जो ब्रश आता है उससे भी आप कट क्रीज ड्रॉ कर सकते हो, बट आप एक बिगनर्स हो तो फ्लैट टॉप ब्रश की मदद लेना, उससे प्रिसाइज कट क्रीज आ जाती है। देन यहाँ पे शैम्पेन पिंक कलर में अपने कट क्रीज जहाँ पे की थी वहाँ पे अप्लाई करूँगी। ब्रश मदद से इतना हो नहीं रहा था इसलिए मैंने फिंगर्स का यूज़ किया था। देन यहाँ पे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का क्लॉसिव लाइनर, ये जेट ब्लैक लाइनर है। आप डेफिनेटली इसे यूज़ कीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हो, आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो आप ये लाइनर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, और बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ भी है। जो भी फॉल आउट है इसको मैं एक विट टिश्यू की मदद से अच्छे तरीके से वाइप अप कर दूँगी। देन यहाँ पे ब्राउज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड। मुझे ज़्यादातर पेंसिल पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी पेंसिल पसंद नहीं आती। मुझे पाउडर्स या जेल्स पसंद आते हैं ब्राउज़ फिलिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड नेचुरल आपको फिनिशिंग देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का मस्कारा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप मेबेलिन के मस्कारा ट्राई कर सकते हो। इनके मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं एंड वाटर प्रूफ भी, अंडर आपको 500 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑफ़ कैमरा मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर दी है। मैंने रिसेंट में ही अमेजोन से फॉल्स आईलैशेस का 10 पेयर का बॉक्स परचेस किया था। इन लैशेस का रिव्यू मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्टे क्वर्की का प्राइमर, एंड फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर की फाउंडेशन स्टिक, आई मीन द शेड 40 ब्रेव, एंड एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर दूँगी अपने स्किन में लाइक दिस। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको नेचुरल कवरेज चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से मैं स्किन में उसको अप्लाई कर दूँगी एंड ब्लेंड करते जाऊँगी। तो सेम कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, आई एम द शेयर टॉमी आई थिंक सो। लिंक्स मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप डेफिनेटली जाके चेक करना। ब्यूटी ब्लेंडर की ही मदद से मैं अच्छे तरीके से उसको मैं ब्लेंड कर दूँ जाऊँगी। एंड यहाँ पे मेरे फॉल्स आईलैशेस बार बार निकल रहे थे इनर कॉर्नर से, तो बाद में उसको मैं सेट कर दूँगी, तो प्लीज़ इग्नोर इट। अपने फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लूज पाउडर, क्योंकि विंटर का समय है तो ज़्यादा लूज पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ अंडर आई सर्कल्स पे, देन थोड़ा सा जॉ लाइन पे मैं अप्लाई कर दूँगी। जहाँ जहाँ पे भी कॉन्टर यूज़ होने वाला है तो कॉन्टर हमारा शार्प लगेगा। तो कॉन्टर के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड पैलेट मेगा ग्लो, उसमें आपको बनाना शेड एंड कॉन्टर शेड मिलेगा। तो नोज़ यहाँ पे मैं कॉन्टर करूँगी, देन थोड़ा सा फोरहेड, देन जो भी मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई की थी वो मैं निकाल दूँगी एक ब्रश की हेल्प से। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी SFR का ब्लश, आई थिंक ऑरेंज 03 इसका नंबर है। लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। देन हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर दूँगी वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइट पैलेट प्रीशियस पैलेट, ये बहुत ही सेलिंग होने वाला शेड है, काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस है एंड बहुत ही सटल हाइलाइटर है। ब्राउ बोन को मैं भी हाईलाइट कर दूँगी। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की गिव मी मोका लिपस्टिक, ये ब्यूटीफुल कोरल एंड न्यूड शेड है, बहुत ही प्रिटी शेड है ये।
एंड यहाँ पे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड गाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैंने लोअर लैश लाइन एंड काजल अप्लाई ही नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने काजल अप्लाई कर रही हूँ फेसेस का, देन लोअर लैश लाइन में पर्पल शेड अप्लाई कर दूंगी। एंड या गाइज दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा, तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साइड में एक बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करना रेड कलर के बटन को प्रेस करके, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है सब्सक्राइब करना। 71% लोग मेरे वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ उन लोगों के लिए सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल भी फ्री है। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।